नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कल अपनी लोक देवियों में अपन ने इधर की साइड की लोक देवी देख ली थी भाई, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, इधर वाली जो लोक देवियाँ थी वो अपन ने देख ली थी। 15-16 जिले हो गए थे अपने, जिले वाइज देख रहे थे अपन। अब इधर से देखते हैं अपन झुंझुनू, झुंझुनू सीकर इधर वाले इलाके में, तो अपन देखते हैं झुंझुनू। जो हम ये जिले वाइज कर रहे हैं इसमें आपको देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें सारे जिलों के लोक देवी अपन देखो एक साथ पढ़ते हैं, हम एक साथ पढ़ेंगे तो कोई भी लोक देवी छूट जाती है, लेकिन जिला वाइज पढ़ेंगे ना तो कोई लोक देवी नहीं छूटेगी। ये हो जाएगी भाई हाँ इस जिले में इतनी लोक देवी है, इस जिले में इतनी लोक देवी है। झुंझुनू, झुंझुनू में आती है रानी शक्ति। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट का भी झुंझुनू जन्मभूमि। रानी सती जो है इन्हें नारायणी माता भी कहते हैं, इनका मूल नाम आता है नारायणी माता। किस किस ने देखा भी रानी सती का मंदिर, बहुत अच्छा है देखना कभी, है ना। मुल्ला माता, नारायणी माता, इनके पति का नाम आता तन धन दास। ये अपने पति के साथ सती ली थी भाई, इली नहीं रानी सती बोलते हैं। मूल नाम तो इनका नारायणी माता था, पति तन धन दास। अग्रवाल समाज की लोक देवी हैं ये, अग्रवाल समाज की कुल देवी। तो नारायणी माता मूल नाम, पति हो गए तंदन दास, अग्रवाल समाज की कुल देवी है, अपने पति के साथ सती हो गई थी। मेला लगता है यहाँ पे रानी सती का भाद्र अमावस्या। यहाँ का मेला लगता है। दूसरी माता आती है हमारे यहाँ पे सकराय माता। सकराय माता को खंडेल वालों की कुल देवी बोलते हैं। तो सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है मल्ले केतु पर्वत आता है उदयपुर वाटी में। इनका मंदिर उदयपुर वाटी में इनका मंदिर आता है सकराय माता का, खंडेल वालों की कुल देवी है। फिर सीकर, सीकर में जीवर माता। जीवर माता का तो खूब देखा होगा भाई, ढाई प्याला शराब, बकरे के कान की बलि हो गया जो सीकर देखते हैं। जीवर माता करोगे जीण माता, हर्ष की बहन या हर्ष पर्वत के ऊपर ही जीण माता का मंदिर है। रेवासा सीकर, इनका मूल नाम जो है वो था जय जयंती बाई। तो जीण माता रेवासा सीकर में, मूल नाम आता इनका जयंती बाई। ये सीकर के जो चौहान वंश था, चौहानों की कुल देवी कहते हैं, तो सीकर के चौहानों की कुल देवी चौहान तो दशहरे में फैले हुए थे, तो सीकर के चौहानों की कुल देवी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। इनके मंदिर में ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है,
बकरे के कान की बलि। हर्ष की बहन थी ये, हर्ष पर्वत भी आता सीकर में, तो सीकर के चौहानों की कुल देवी, एक जैन माता मीणाओं की कुल देवी भी। देखना ये मंदिर भी बहुत शानदार है, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जो आता है वो अपने जीवन माता का ही आता है, सबसे लंबा गीत है। याद है सीकर में, और इनकी जो प्रतिमा है वो आती है अष्टभुजा प्रतिमा, मंदिर में जो प्रतिमा है अष्टभुजा प्रतिमा आती है इनकी। देखो वापस, जीण माता रेवासा सीकर, मूल नाम जयंती बाई, सीकर की चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी और मीणाओं की, हर्ष की बहन थी ये, ढाई प्याला शराब यहाँ चढ़ाया जाता है, बकरे के कान की बलि जो है वो यहाँ दी जाती है, अष्टभुजा इनकी प्रतिमा है, और सबसे लंबा गीत जो आता है वो इनका आता है जीण माता का। तो ये लिखो, लिख लिया। सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर में आते अपने छींक माता, छींच अपने छींक माता, छींच माता पढ़ी थी बांस वाला में, और ये आती छींक माता। छींक माता सबसे ज्यादा छींक आती है, तो छींक माता को पूजो भाई। शीतला माता आती है चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में आती है, इन्हें चेचक की देवी कहते हैं। बच्चों की संरक्षक देवी इन्हें कहा जाता है। महामाई माता कहते हैं, एक सेंडल माता भी बोलते हैं। तो इनके उपनाम आते हैं, चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षक देवी कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, सेंडल माता कहते हैं। इनका जो पुजारी होता है मंदिर का उसे बोलते हैं कुम्हार। इनका जो वाहन आता है वो आता है गधा। तो मान लो क्वेश्चन ये पूछा हुआ अभी, देखो शीतला माता जो इनका वाहन आता गधा, इनका जो मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। सप्तमी और अठमी अष्टमी दो दिन भरता है। दो दिन इनका मेला भरता है शीतला माता का। एक इनका आता कि मंदिर का जो निर्माण है शीतला माता के, वो करवाया था माधो सिंह ने। माधो सिंह प्रथम, तो मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था शीतला माता। फिर एक आती ज्वाला माता, तो शीतला माता चाकसू में, चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षक देवी कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, सेडल माता। पुजारी इनका कुम्हार होता है, वाहन इनका गधा होता है, मेला जो इनका दो दिन भरता है चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक। मंदिर का निर्माण माधव सिंह प्रथम ने करवाया था। फिर आती है ज्वाला माता, इनका मंदिर जोगनेर में आता है। एक आती शीला माता, ये लिखो फिर बातें।
गाती हूँ सीता माता। शीला माता जो है इनके मंदिर का जो निर्माण है वो मानसिंह ने करवाया था। कछुआ शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है, तो कछुआओं की कुल देवी। मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। इनकी डिटेल अपन राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ेंगे भाई। फिर इनकी काले पत्थर की अष्टभुजा की प्रतिमा है। तो शीला माता कछुआओं की आराध्य देवी, कुल देवी नहीं है भैया, कछुआओं की आराध्य देवी है। इनमें भी दिक्कत है। तो शीला माता कछुओं की आराध्य देवी है। मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। काले पत्थर की इनकी अष्टभुजा की प्रतिमा है। तो मंदिर इनका आता आमेर में। ये है शीला माता। एक आती है जमुआई माता। एक अपन जो राजवंश पढ़ेंगे उसमें भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, ये कैसे बनवाया था सारी चीजें। तो जमुआई माता आती है कछुओं की कुल देवी, ये है आराध्य देवी और जमुआई माता आती है कुल देवी। ये कुल देवी आराध्य देवी इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है भाई, इनको अच्छे से देखना। तो कछुओं की कुल देवी आती है ये, इनका उपनाम आता है अन्नपूर्णा माता, अन्न की देवी है ये अन्नपूर्णा माता। तो अन्नपूर्णा माता इन्हें कहा जाता है और इनके मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्हे राय ने। इनके मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया और इनके मंदिर का निर्माण दुल्हे राय ने करवाया और इनका एक नाम आता तेजकरण, तेजकरण भी कहते हैं ये अपने जयपुर में। एक जयपुर में शाकंभरी माता भी आती है, चौहान चौहान वंश की कुल देवी। तो ये लोक देवी आती है अपने जयपुर में। तो शाकंभरी माता में चौहानों की कुल देवी आती है, शाकंभरी आता सांभर में। ये हो गया जयपुर। जयपुर के बाद लेते हैं अलवर। एक हम भाई राजस्थान की करंट अफेयर्स का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, सूजस लेंगे अपन, डेली करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और अपने जो प्रश्नोत्तरी है टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी है वो अपन करेंगे। प्रश्न भी आप साथ के साथ ले रहे हैं। अलवर में आती दोलागढ़ देवी। दोलागढ़ देवी जो है ये गोड़ ब्राह्मणों की कुल देवी आती है। दोलागढ़ देवी गोड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, नारायणी माता नाई जाति की आराध्य देवी आती है। तो नारायणी माता का मंदिर आता है अलवर में। मूल नाम आता है इनका करमेती बाई, करमेती बाई नाई जाति की आराध्य देवी आती है।
देवी है अलवर में, तो दौलागढ़ देवी आती है गोड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, नारायणी माता आती है, मूला माता, करमेती बाई, नाई जाति की आराती देवी आती है। ये गोड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, ये भी कुल देवी है भाई, नारायणी माता। तो नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी। एक जिलानी माता आती है बैरोड़ में, ये अलवर में है। फिर भरतपुर में भी नहीं है, धौलपुर में भी कोई लोक देवी नहीं है। ये लिखो फिर अगला जिला और देखते हैं। फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली में आती कला देवी। कला देवी यादव वंश की कुल देवी। एक इनके आराधना में लांगुरीय गीत गाए जाते हैं, और लांगुरीय गीतों के साथ साथ एक जोगनीय नृत्य नृत्य भी किया जाता है। तो कैला देवी यादव वंश की कुल देवी है, लांगुरिया गीत गाया जाता है, जोगणिया नृत्य इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। इनका जो मेला भरता है, इनका मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। एक आता है इनका मंदिर जो है, इनका त्रिकुट पर्वत के ऊपर मंदिर आता है। तो करौली में कैला देवी है, फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में भी चौथ माता आती है, चौथ का बरवाड़ा। तो चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता आती है, और चौथ माता जो है कंजरों की कुल देवी है। स्वयं माधोपुर में एक ही माता आती है कुल देवी, लोक देवी। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा, स्वयं माधोपुर, कंजरों की कुल देवी आती है। ये लिखो। फिर आगे देखते हैं चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ में अपने एक आती कालिका माता, एक आती तुलजा भवानी, एक आती बड़ली माता। ये तो है, ये गुहिल वंश की है कि कालिका माता जो है ये गुहिल वंश की आराध्य देवी है। और अपने जो तुलजा भवानी ने, इन्हें क्या है कि शिव जी की आराध्य देवी कहते हैं, तुलजा भवानी। एक आती है बड़ली माता, बड़ली माता जो है ये अकोला में है, मन्नत के लिए प्रसिद्ध है ये, अकोला चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ मन्नत मांगने जाते हैं ना, तो लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं यहाँ पे। लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है।
था गोविल वंश की आराध्य देवी तुलजा भवानी शिव जी की आराधना आराध्य देवी है ये। बड़ली माता आती है अकोला में मन्नत के लिए, यहाँ पे क्या है कि लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं। एक आती है आवरी माता, ये निकुंभ में है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और इनको सावरी माता भी कहते हैं। तो ये माता आती है चित्तौड़गढ़ में। एक आती है बाण माता, चित्तौड़गढ़ में। सिसोदिया जो वंश था इसकी कुल देवी आती है। यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहाँ लिखो बाण माता, चित्तौड़गढ़ में है सिसोदिया वंश की कुल देवी। सिसोदिया वंश की था इधर, तो सिसोदिया वंश की जो कुल देवी आती है वो आती है बाण माता। कालिका माता गोविल वंश की आराध्य देवी, और आवरी माता थी निकुंभ में, और इन्हें असावरी माता भी कहते हैं। ये लिखो, लिख लिया भी। फिर राजसमंद, ज्यादा नहीं बचे, अब थोड़ी बचे। पीपलाज माता ये आती है हल्दी घाटी में। घेवर माता का तो काफी नाम सुना होगा भी, खमनौर राजसमंद में है ये। घेवर काफी सुना होगा, राजसमंद जिले की पाल के ऊपर है। पीपलाज माता जो है ये हल्दी घाटी में, चार भुजा देवी आती है, ये भी खमनौर में ही आती है। घेवर माता राजसमंद में आती है, खमनौर में तो अपने ही वाले पता आती है। राजसमंद जिनकी पाल के ऊपर ये एक आती है चार भुजा देवी, ये आती है खमनौर में। घेवर माता तो पीपलाज माता होगी हल्दी घाटी, घेवर माता राजसमंद, राजसमंद झील की पाल के ऊपर, और इन्हें सती मंदिर है भैया, सती मंदिर है इनका, सती विधि है। चार भुजा देवी मंदिर आता है, एक आता आमजा माता। आमजा माता जो है इन्हें भीलों की देवी कहते हैं भाई, आमजा यादा रासमंद में। तो रासमंद में चार ही लोग देवी लिखो, हो गया ही। और ये घेवर माता का सती मंदिर है। राजसमंद के बाद पाली, पाली में सुगानी माता, इन्हें क्रांति की देवी कहते हैं। की क्रांति के टाइम में थी सुगाली माता है, खुशाल सिंह की कुल देवी थी। आवा का था ठाकुर, था आवा का खुशाल सिंह की कुल देवी। सुगाली माता जो है 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर व 54 हाथ
क्वेश्चन पूछा गया है यस। तो 10 सिर व 54 हाथ के नाम से कौन सी माता जानी जाती है? सुगाली माता, क्रांति की देवी इन्हें कहते हैं, आगवा पाली में इनका मंदिर आता है सुगाली माता का, और कुशाल सिंह जो आगवा के ठाकुर थे इनकी कुल देवी आती है। एक आती है यहाँ पे आशापुरा माता, आशापुरा माता आती है, ये भी अपनी पाली में आती है, नाडोल, नाडोल। इनका मंदिर अपने नाडोल पाली में आता है। एक मरकंडी माता आती है, पाली में है, इनका मंदिर आता है निमाज पाली में। तो सुगाली माता, आशापुरा माता नाडोल में, मरकंडी माता आती है निमाज में। ये लिखो फटाफट, फिर अपन जोधपुर देखते हैं। अब ज्यादा नहीं, 2-3 जिले बचे हैं अपने। जोधपुर काफी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर। चामुंडा माता, जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, राठौड़ों की आराध्य देवी। चामुंडा माता का जो मंदिर है जोधपुर में है, इसका जो निर्माण है वो राव चूड़ा ने करवाया था। यहाँ पर वही 2008 में भगदड़ मच गई थी, 2008 में जो भगदड़ मची थी यहाँ पे, उसके लिए एक जसराज चोपड़ा आयोग बुलाया गया था। इसका गठन हुआ था जसराज चोपड़ा आयोग। काफी भगदड़ मची, भीड़ भाड़ में काफी लोग मारे भी गए, और इसकी जांच के लिए भाई कितने लोग कैसे मारे गए, तो 2008 में जसराज चोपड़ा आयोग का यहाँ गठन किया जाता है। एक अपने आती है सचियाई माता, सचिया माता आती है ओसिया में, ओसिया में है, और ओस वालों की कुल देवी है। तो सचिया माता आती है ओसिया में, ओस वालों की कुल देवी आती है। इनका जो मंदिर का निर्माण है वो अपने परमार शासक थे उपलदेव, तो मंदिर का निर्माण परमार शासक उपलदेव ने करवाया था। ओस वालों की कुल देवी आती है। अगली माता आती है आई माता, आई माता। आई माता तो काफी सुना होगा, वो दीपक की लो से केसर टपकती है, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। यहाँ क्या है, दीपक की लो से, यहाँ तो दिखेगा नहीं भाई, दीपक से केसर टपकती है यहाँ। कि जो दीपक जलता रहता है उसका जो लो होती है, मन में जलता रहता है, तो यहाँ क्या था कि दीपक की लो से केसर टपकती है, और ये सिर भी जाती जो है उनकी कुल देवी आती है। यहाँ लिख देती हूँ, तो सचिया माता दीपक से केसर टपकती है, सिर भी जाती की कुल देवी है, ये अपने आती है आई माता। और ये नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है आई माता। नव दुर्गा का अवतार,
आई माता जो है इनके बचपन का नाम आता जीजीबाई, जीजीबाई। इनका जो मंदिर है इन मंदिर को दरगाह बोलते हैं और समाधि को बोलते हैं बलेर। तो इनके बचपन का नाम जीजीबाई, मंदिर को दरगाह कहते हैं और समाधि को बढ़ेर कहते हैं। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। रामदेव जी की शिष्या और आई पंथ चलाया था आई माता ने। रामदेव जी की शिष्या आई माता ने आई पंथ भी चलाया था। बचपन का नाम जीजीबाई, मंदिर को दरगाह कहते हैं, समाधि को बढ़ेर कहते हैं। फिर देखते हैं दोसा, इधर की साइड में दोसा मछली है, नीलवाड़ा ही रहे। दोसा में आती है धनोप हर्षद माता आती है आभानेरी में, उल्लास की देवी। उल्लास की देवी किस माता को कहते हैं? तो ऑप्शन दे देंगे चार, उसमें हर्षद माता, शिला देवी, ये कई नाम डाल देंगे। तो उल्लास की देवी आती हैं, हर्षद माता। अगला आता भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कहते दनोब माता। ये आती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भी दो है भाई, एक जयपुर में आता है और एक शाहपुरा अपने भीलवाड़ा में आता है। एक आती है कुशाल माता। तो भीलवाड़ा में धनोक माता, शाहपुरा में कुशाल माता आती है, बदनोर भीलवाड़ा में। और इन्हें चामुंडा माता का अवतार मानते हैं कुशाल माता को। चामुंडा माता का अवतार मानते हैं कुशाल माता को। एक आती है जोगनिया माता। काफी माता है, याद रखना पड़ेगा। और इन्हें मन्नत के लिए जाना जाता है। ये मन्नत के लिए प्रसिद्ध है। और कुशाल माता जो है इनके मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बदनौर में मंदिर है, चामुंडा माता का अवतार मानते हैं, मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये जोगनिया माता के भाई मन्नत के लिए मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, कि मन्नत मांगने जाते हैं तो मुर्गी चढ़ाते हैं। हो गया, भी एक दो जिले और रह गए हैं। एक तो आता नागौर, नागौर रह गया। तो नागौर में आती दधीमती माता। दधीमती माता आती है दादीच, दधीमती माता आती है गोट मांगलोद में, मांगलोद बारा। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। तो दधीमती माता, गोट मांगलोद, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, ये अपने नागौर हो गया। लगभग पूरे जिले हो गए थे। अब टोंक में भी कोई लोक देवी नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, तो अपनी ये लोक देवी पूरी हो गई है। अच्छे से जिले वाइज याद रखना,
मैप बना लेना, मैप में सारे जिले लिख लेना और उसमें अपनी लोक देवियाँ ऐड करके अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी, आगे टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। अब आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताना भी, और अपनी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।